नमस्कार साथियों, इस समय आप देख रहे हैं कि एसडीओ महोदय इस समय कोंधियारा पावर हाउस पे मौजूद हैं और किसानों से और लोगों से जो यहाँ पे उपस्थित हैं आप देख सकते हैं, इन लोगों से भी वार्ता चली और इस वार्ता के बाद क्या बात, किन किन बातों पे सहमति बनी, किन बिंदुओं पे आगे कार्य होगा, कुछ ऐसे प्रश्न, जब आंदोलन शुरू हुआ हमने आंदोलन कर रहे लोगों से भी पूछे थे, आंदोलन के तरीके पर भी प्रश्न उठाया था और वही अच्छे प्रश्न हम जेई महोदय से भी रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से इस पावर हाउस की समस्या, जब से पावर हाउस निर्मित हुआ है सर, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर स्वर्गीय पंडित रमाकांत जैसे कह सकते हैं कि ऐसे लोग उत्पन्न हुए जिन्होंने यहाँ के विकास के लिए इतने सपने सजाकर ये 3 फीडर की व्यवस्था यहाँ कराई थी और जब वो संयोग से उसी दौरान उनकी मृत्यु हुई, पावर हाउस बना लेकिन 2 फीडर पर चालू किया गया, 3रे फीडर को शुरू करने में या उसकी लाइन बनाने में अभी अगर आपके पास ये मुद्दा आया है, जैसे आप भी नए हैं, तो क्या समस्या हो सकती है उसके क्रियान्वयन में? जैसा कि आप अभी आप लोगों से वार्ता हुई और इसमें जो है बताया गया 3रे फीडर के बारे में, तो इसमें मैं बस इतना ही कहूँगा कि मैं इसके लिए उच्च अधिकारियों से बात कर लेता हूँ कि अभी तक उस पर क्या कार्रवाई हुई और अभी तक उन्होंने कहाँ तक क्या प्रोग्रेस रही है, और यदि उन्होंने किया है तो उसको आगे मैं बढ़ाऊंगा और नहीं हुआ है तो मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि इसको जितनी जल्दी हो सकेगा मैं कर करके निपटाऊंगा। सर एक चीज़ और है, जिस गांव में पावर हाउस होता है वो टाउन एरिया बनाया जाता है और लोग अमूमन दुकानदार, ये छोटा मार्केट है, बहुत बड़ा औद्योगिक वाला बाजार नहीं है, लेकिन फिर भी बिल ज़्यादा लगता है उन लोगों का क्योंकि उनको ऊपर ओवरवेट का चार्ज लगता है। ऐसे में जहाँ चाहे जारी की व्यवस्था हो, जहाँ तक मैं जानता हूँ अगल बगल वो टाउन एरिया 2-3 गाँव जो सड़क से लगे हुए होते हैं, ऐसे में अगर फीडर बना के अगर डिवाइड कर दिया जाए तो जो लोकल फॉल्ट है वो समस्या दूर होगी। तो फिलहाल तो जैसे अभी पानी है चारों तरफ तो लाइन कैसे बनती मुझे कोई इस बारे में आइडिया नहीं है, पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या इस समय आपकी कार्यवाही के बाद, मान लीजिए 15 दिन के समय के बाद, क्या ये प्रक्रिया इसी बरसात में पूरी हो सकती है या फिर समय लेंगे जैसे अभी तक अधिकारी लेते आए हैं? मैं बस आपको यही कह सकता हूं कि आप लोगों का जैसे किसान यूनियन है ये मुझे सपोर्ट करें, आप पब्लिक हमें सपोर्ट करें, तो जो भी आपकी शिकायतें हैं उसको मैं यथाशीघ्र पूरी करने की कोशिश करूंगा कि जल्द से करा। सर बातें तो देखिए, मैंने सीधा प्रश्न पूछा है कि समस्या क्या हो सकती है। देखिए जैसे एग्जाम्पल, आप जैसे अभी इन्होंने एक भाई ने बोला कि जो है वहाँ पर मेरे खेत में न जाएँ, तो यदि वहाँ पर खेत में नहीं जाएंगे तो स्टाफ काम कैसे करेगा, ठीक है ना? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मुझे सहयोग करें, यदि मौसम साफ रहेगा और खेत वैसा रहेगा तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ 10 से 15 दिन का समय मेरे सफिशेंट में करा दूँगा। अच्छा, इनकी इन लोगों की जो दूसरी मांग थी कि गन्ने चूंकि नज़दीक है, हमारा जो लास्ट इधर से लाइट सप्लाई होता है लोटार, यहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ से गन्ने पीछे से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे होगा, तो यानी उसका डिस्टेंस कम है, अगर वहाँ से प्रस्ताव बनाते हैं और यहाँ पर लाइन पावर हाउस के लिए सप्लाई करते हैं तो सुविधा होगी निश्चित ही। लोकल फॉल्ट और ये जो 33,000 लाइट में फॉल्ट आते हैं तो उस पर कार्य थोड़ा समय लगेगा, क्या उस पर भी आप लोग कोई प्रस्ताव तैयार करेंगे? इस पर सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि गन्ने पावर हाउस पर हमें यहाँ पर की सप्लाई देने के लिए जो लोड जो चाहिए वो लोड के लिए वहाँ पर स्पेस है या नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वहाँ पर जो एक इंडिपेंडेंट फीडर वहाँ भी लगेगा क्योंकि वो जिसके सप्लाई यहाँ पर आएगी, क्या वहाँ पर स्पेस है जहाँ पर कि हम अपने 33 के पैनल को लगा सकते हैं? इन सब चीज़ों का देख करके तभी हम बता पाएंगे कि यहाँ पर से हम जोड़ पाएंगे या नहीं जोड़ पाएंगे। तो ऐसा तो नहीं वहाँ पर पता चला कि वह लोड हो और हम आपसे कमिट कर लें कि नहीं नहीं मैं जोड़ दूंगा। अगर ऐसा होता है तो उस फीडर पे भी लोड कम आ जाएगा, मामा भांजे में भी जो फॉल्ट आते हैं वो भी कम। नहीं नहीं, वहाँ तो कम आएगा लेकिन यहाँ पर स्पेस है कि नहीं है, मेन तो ये है कि जहाँ पर जो ट्रांसफार्मर रखे हैं उस पर भी जो है स्पेस है। नहीं नहीं नहीं, अभी सुन तो लीजिए, यदि आप यहाँ पर आप जैसा कह रहे हैं कि एस्टिमेट बना है तो एस्टिमेट तो मैं देख लेता हूँ तभी कुछ कह पाऊँगा ना, अभी तो कुछ नहीं कह पाऊँगा क्योंकि मेरे पास कागज़ है नहीं। मैं वर्बली किसी चीज़ को एक हाइपोथेटिकल चीज़ कहना मुझे सही नहीं लगेगा। मैं ये देखवा लूँगा कि वहाँ पर यदि पॉसिबिलिटी होगी तो मैं इस बात को मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं गन्ने से जुड़वाऊँगा। जी सर, थैंक यू सर। यदि उसमें जगह होगी, मैं फिर बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ अपनी रिपीट को, कि यदि गन्ने से, क्योंकि ये बात जो है जेन्युइन प्रॉब्लम है कि खेत से प्रॉब्लम है और पेट्रोलिंग करने भी दिक्कत होती है और यहाँ से पॉसिबल होगा तो मैं रोड का प्राकलन जिस हिसाब से बनवाऊँगा और खुद भी लगूँगा, ऐसे लग करके करवा दूँगा। टाइम लगेगा लेकिन एक पहल तो कर ही देंगे। जी सर। और सर किन मुद्दों पर जो शिकायत थी यहाँ किसानों की उस पर आपने क्या कहा, जो और छोटी मोटी शिकायतें थी जर्जर तार या अन्य प्रकार की शिकायतों पर क्या आश्वासन है आपका? मेरा यही कहूँगा कि इस बारे में बस इतना ही कहना ऐसा होगा कि मैं जितनी भी शिकायतें हैं उसमें काफ़ी शिकायतें ठीक है अच्छी है,
और ये चीज़ें होने चाहिए और जैसे आपको पहले करना चाहिए, क्योंकि लेटर नया है इसलिए ज़्यादा उनको नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी ही इसको निस्तारित करा देंगे। सर अब बातें आपने भी एक्सेप्ट की, ऐसे पूर्व अधिकारी भी एक्सेप्ट करते हैं, उम्मीद नहीं विश्वास है कि आप निश्चित ही कम से कम अगर भौतिक धरातल पर कार्य नहीं हो रहा है तो पेपर में ऑन रिकॉर्ड इस मुद्दे को जिंदा कर दीजिए। और वो समय कब होगा जब हम आपके पास आए वहां पर जॉर्ज टाउन में और हम देखें कि आपने हमारी मांग को शासन तक या उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का काम किया, ये कब तक कर सकती है? ये कागज पे ये तो कागजों वाली मैंने बता दिया ना, जैसे आपका 33 वाला कहा है, इसको तो मैं सर्वे करा करके आपको कर दूंगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको कल से ही दिखने लगेगी, कुछ चीज़ों मेन जो मेन बेसिक प्रॉब्लम है उसको आपको कल से ही दिखना शुरू हो जाएगा। मेन मुद्दा सर हमारी समझ से ये है कि तीसरा फीडर जो यहाँ पे स्वीकृत है, तो फिर स्वीकृति के बाद लाइन को डिवाइड क्यों नहीं किया जा रहा, इस पर मैं चाहता हूँ कि प्रथम वरीयता में कार्य हो, निश्चित ही सारी समस्याएं उससे कम हो जाएंगी। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आ रही है फॉल्ट की ये और बार बार शटडाउन की, ये निश्चित दूर हो जाएंगी, इस पर कार्य थोड़ा तेजी होनी चाहिए। उतनी तीसरा फीडर की जो आप बात करें, तो तीसरा फीडर का जो एस्टिमेट बना है वो कहाँ पर है, इसको मैं मुझे पता करना पड़ेगा ना कि तीसरा फीडर का जो एस्टिमेट बना है वो कहाँ पर है या किस स्तर तक काम हो गया, कहाँ वो आपका विभाग है, मुझे पूरी जानकारी कर लूंगा। नहीं नहीं आपको नहीं 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 मैं आपकी बात को मान लिया, बना हुआ है, कोई लोकल है तो अधिकारी बता सकते हैं। तीसरा फीडर यहाँ पे है मौजूद कि नहीं बताइए, लाइनमैन साहब बताइए तीसरा फीडर का क्या क्या यहाँ पे रोल है, बताइए सामने बताइए। तीसरे फीडर के लिए कहा गया था कि बनेगा, जिसका मतलब लाइन बननी थी, फीडर था, फीडर वही हम कह रहे हैं ना, केवल लाइन सर्विस, ठीक है, जब लाइन बनेगी तभी फीडर चलेगा। जी जी ठीक है, एस्टीमेट बना के लाइन चार्ट बना के दिया गया है, देख लीजिए सर। किसने दिया था? अजीत साहब ने दिया था, मैं अजीत साहब से बात कर लूंगा। तो साथियों आप देख सकते हैं इस संक्षिप्त वार्ता में एसडीओ साहब ने साफ साफ कहा है कि निश्चित ही ये जो तीन मुख्य मुद्दे हैं जिनमें पहला मुद्दा फीडर का है वो जल्द कार्य शुरू होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि महीने 15 दिन जो भी हो सके हम सर के टेबल में जाएंगे, कोई भी सम्भ्रांत और जागरूक व्यक्ति जाइए, मिलते रहिए इनसे और देखिए कि सर ने हमारे प्रस्ताव को किस टेबल तक पहुँचाया है। उच्चस्त अधिकारी एक्सियन है या जो भी जिम्मेदार लोग हैं कहीं भी अपनी मांग को इसी तरह से उठाते रहिए, देखते रहिए, देखते हैं कि समस्या पर कितना कार्य होता है। K9 प्रयागराज वर्ल्ड से मैं कृष्णांश शुक्ला।